हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिल आज आपको विंडो 7 का पासवर्ड कैसे ब्रेक करते हैं ये बताऊंगा। इसके लिए आप ये देख रहे हैं, ये विंडो 7 मेरा है जो अभी लॉगिन है। इसके अंदर मैंने विंडो 7 का डीवीडी भी डाल रखा है। पासवर्ड डीवीडी से ब्रेक करना है, कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर से ब्रेक नहीं करना है। विंडो 7 की डीवीडी से कैसे पासवर्ड ब्रेक करते हैं ये जानेंगे। तो मैं अभी इसको लॉग आउट करता हूँ, और एग्जैक्टली एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड क्या है मुझे याद नहीं है। सिस्टम को रिस्टार्ट करूँगा और विंडो 7 की डीवीडी से बूट करना है। ये बूटिंग स्टार्ट हो गया है। जैसे ही सिस्टम बूट करेगा, यहाँ पे प्रोग्रेस बार आगे बढ़ने पे रिपेयर ऑप्शन आता है, तो ये रिपेयर ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट करेंगे, ये ऑप्शन देख रहे हैं आप, रिपेयर योर कंप्यूटर, इस ऑप्शन को हमें सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट करेंगे, यहाँ से आप देख सकते हैं सिस्टम रिकवरी ऑप्शन आ रहा है आपके सामने। तो स्टार्टअप रिपेयर, सिस्टम रिस्टोर, सिस्टम इमेज रिकवरी, लास्ट में आप देख रहे हैं कमांड प्रॉम्प्ट। हमें कमांड प्रॉम्प्ट एक्सेस करना है, तो कमांड प्रॉम्प्ट पे क्लिक करेंगे और इस कमांड प्रॉम्प्ट पे जाकर हमें अपने ऑपरेटिंग सिस्टम, जहाँ पे हमारा ओएस रखा हुआ है, उस ड्राइव पे जाएंगे। तो डी ड्राइव पे ट्राई करते हैं। डी ड्राइव पे जाने के बाद DIR करते हैं। यस, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम रखा हुआ है। ये आप विंडोज़ यूजर्स प्रोग्राम फाइल्स को देखकर पता लगा सकते हैं कि एक्चुअली यही ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा। यहाँ आपको CD विंडोज़ फोल्डर के अंदर आपको जाना है। देन उसके अंदर, विंडोज़ के अंदर सिस्टम 32, CD करके आप उस सिस्टम 32 फोल्डर के अंदर जाएंगे। यहाँ पर एक फाइल है cmd.exe और दूसरी फाइल है magnify.exe। तो जो cmd.exe है वो कमांड प्रॉम्प्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल फाइल है, और जो magnify.exe है वो मैग्नीफायर को ओपन करने के लिए कमांड होती है। तो हमें क्या करना है, ये जो मैग्नीफायर है इसको आपको cmd.exe में चेंज करना, और cmd.exe को magnify.exe में चेंज करना है। बट प्रॉब्लम ये है कि ये दोनों फाइल इसी लोकेशन पे अवेलेबल हैं, तो हमें वन बाय वन करके एक दूसरे का नाम रिनेम करना है और इनको चेंज भी करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, cmd को रिनेम, cmd.exe को मैं रिनेम करता हूँ cmd2.exe में, एंटर कर दूं। तो कह रहा है कि डुप्लीकेट फाइल नेम इट्स एग्जिस्ट, तो cmd2 ऑलरेडी अवेलेबल है बोल रहा है। तो मैं इसको डायरेक्टली magnify.exe में चेंज करता हूँ। तो मैग्नीफाई, cmd एक्चुअली चेंज हो गया है किसमें, magnify.exe में। तो हमें क्या करना है, अब इसको मैग्नीफाई में चेंज हो गया है। जब मैं सिस्टम को रिबूट करूँगा तो जो cmd.exe है वो magnify.exe में चेंज हो चुकी है। तो रिबूट करते समय लॉगिन करने से पहले लेफ्ट साइड में ऑप्शन आता है, उस ऑप्शन को हमें एक्सेस करना है। एग्जिट करते हैं और सिस्टम को रिस्टार्ट करते हैं। अब यहाँ दोबारा से हम बूट नहीं करेंगे, लॉगिन लेंगे। यहाँ ये ऑप्शन देख सकते हैं आप, ये अवेलेबल है, ईज ऑफ एक्सेस। ईज ऑफ एक्सेस पे क्लिक करेंगे, यहाँ मैग्नीफायर पे क्लिक करके अप्लाई करेंगे,
तो ये बैकग्राउंड में ऑटोमेटिकली सीएमडी ओपन हो जाएगा। ये सीएमडी क्यों ओपन हो गया, इस वजह से ओपन हुआ क्योंकि हमने magnify.exe को एक्चुअली सीएमडी में रिनेम कर दिया है, तो मैग्नीफाई अब हो चुका है सीएमडी, इसलिए ये सीएमडी खोल रहा है। अब यहाँ पर मैं कमांड चलाता हूँ, एक कमांड है नेट यूज़र, यूज़र नेम देंगे एडमिनिस्ट्रेटर, और एंटर करेंगे। तो यहाँ पर पासवर्ड चेंज करने के लिए, अभी एंटर नहीं करेंगे, यहाँ पर पासवर्ड चेंज करने के लिए आपको सीधे पासवर्ड देना होगा। मैं पासवर्ड दे देता हूँ, एक अपना एक पासवर्ड देता हूँ, आइडियाज़ 4, मैं आइडियाज़ 4 देता हूँ, एंटर करता हूँ। तो द कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब मैं एग्ज़िट कर जा रहा हूँ और इसको बंद कर देता हूँ, यहाँ विंडोज़ एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन करता हूँ, यहाँ डालूँगा आइडियाज़ 4, एंटर करूँगा। देखिए आइडियाज़ 4, मुझे पासवर्ड नहीं पता था, जो मैंने नया पासवर्ड डाला है उससे ये सिस्टम ओपन हो गया है। और जैसे सिस्टम ओपन करेंगे तो अपने आप ये cmd.exe यानी magnify.exe फाइल ओपन होगी। इसको आप क्या कर सकते हैं, आप फिर से दोबारा से इसको रीनेम कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से आप विदाउट थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर आप विंडोज़ का पासवर्ड तोड़ सकते हैं। अब मैं इसको जो cmd.exe है आप यहाँ से रीनेम कर सकते हैं, अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर प्रॉब्लम आती है तो आप रीनेम कर सकते हैं। ओके, ये था पासवर्ड ब्रेकिंग, विंडोज 7 का पासवर्ड कैसे ब्रेक करते हैं विदाउट थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर। थैंक यू फॉर विजिटिंग माई ब्लॉग।